हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआर स्टडी पॉइंट। टॉपिक टेस्ट के टेस्ट 6 में आपका स्वागत है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क, जिसकी एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखी है 10 क्वेश्चंस की। आज जो हम लोगों का टेस्ट चले जो डिस्कस करेंगे हम लोग सवालों को, वो है हमारा 11 से लेके 20 तक, ठीक है। तो जिन लोगों ने पहले पार्ट को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप जाके पहले पार्ट को देख सकते हैं। तो बिना देरी के हम लोग सवालों की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग का सवाल में, जो लोग मेरे बारे में या डी आर स्टडी पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। पहला सवाल देखो हम लोग का क्या बोल रहा है। पहला सवाल में बोल रहा है, ए व्हेन वर्किंग एट हिज 80% इफिशियंसी, ए जब अपने इफिशियंसी का 80% से काम कर रहा है, कैन कम्प्लीट 2/3 ऑफ द वर्क इन 12 डेज, 2/3 काम 12 दिन में करता है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा समझो कि अगर मैं ए की इफिशियंसी को ए ही बोल दूँ, तो ए का समय जो हो जाएगा वो समय क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ए का इफिशियंसी देखो, मैं ना एक थोड़ा सा चार्ट यहाँ से निकाल लेता हूँ कि मुझे करना क्या है, आगे मैं उसी को फॉलो कर लूँगा डायरेक्ट। ए अपने इफिशियंसी का 80% से काम कर रहा है और 12 दिनों में टोटल एक काम का उसने क्या किया, 2/3 काम किया। यानी अगर ए की वैल्यू तुम्हें निकालनी है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3 गुने में 1/12 गुने में 100/80। लेकिन हमें ए नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1/a। क्यों, देखो आगे सवाल में क्या बोल रहा है, बी कैन फिनिश हाफ द ऑफ द सेम वर्क इन 8 डेज व्हेन वर्किंग 60% ऑफ हिज एफिशिएंसी। बी अपने 60% एफिशिएंसी से जब काम करता है तो 8 दिनों में हाफ काम करता है। तो ध्यान दो, बी का भी इफिशियंसी हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ 2/3 था, यहाँ हाफ है, तो यहाँ पे हाफ कर दो, ठीक है, हाफ। फिर अगला क्या दिए हुए, तुम्हारा 2/3 के स्थान यहाँ पे दिए हुए है 8 डेज में कंप्लीट करता है, यहाँ पे 8 को तुमने क्या किया, 1/8, ठीक है। फिर यहाँ से देखो 60% ऑफ हिज इफिशियंसी, 60% ऑफ इफिशियंसी में मतलब क्या, 100/60, बी का भी निकल गया इफिशियंसी। फिर क्या बोल रहा है, वेर एज सी कैन फिनिश 4/5 ऑफ द वर्क, सी जो है 4/5 ऑफ द वर्क कंप्लीट करता है इन 20 डेज, यानी 1/20, व्हेन ही इज वर्किंग विथ 2/5 ऑफ हिज इफिशियंसी, 2/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये चूंकि इफिशियंसी निकल गया तो हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज इन विच ए बी सी विल बी एबल टू फिनिश द वर्क। ए बी सी का नंबर ऑफ डेज यानी कि टाइम का रेशियो निकालना है, टाइम क्या हो जाता है, 1/a, 1/a जब करेंगे तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। रिवर्स का मतलब क्या है, 3/2 गुने में 12 गुने में 80/100 रेशियो, 1/2 है तो 2/1 गुने में 8/1 गुने में 60/100, ठीक है। फिर यहाँ पे रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 5/4 गुने में 20/1 गुने में 2/5। ख़त्म हो गया सवाल हम लोगों का यहाँ से, अब जो सॉल्व करना है हमें इसे सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि अगर तुम काटना छाटना शुरू करोगे तो 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, 20 से ये 4 बार में, 20 से ये 5 बार में, फिर 20 से ये 3 बार में और 20 से ये 5 बार में, 4 से इसे काट दो 5 बार में, तो नीचे का जो 5, 5, 5 है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब तुम ध्यान दो कि हर एक नंबर में मिनिमम हम लोग 2 से तो काट ही सकते हैं, तो 2 से जब काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 2 यहाँ से ख़त्म, ये 2 यहाँ से ख़त्म, क्या हो गया, 3, 3 जा 9, 4 जा कितना, 36, फिर 8, 3 जा कितना, 24, और 5 × 5 क्या हो जाएगा, 25, और यही हमारा आंसर है, 36, 24 और क्या, 25, ऑप्शन नंबर ए आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि ए सर्टेन वर्क इज कम्प्लीटेड बाई ए कम्प्लीटेड व्हेन ए वर्कड अलोन फॉर 12 डेज, ए अकेले जब 12 दिन तक काम करता है, फॉलोड बाई बी वर्किंग फॉर 8 डेज, बी 8 दिनों तक काम करता है, एंड फाइनली सी फिनिश्ड इट बाई वर्किंग 20 डेज अलोन, सी अकेले 20 दिन काम करके उसे एक काम को कम्प्लीट कर देता है। रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाई ए बी सी आर फॉर डूइंग देयर शेयर ऑफ वर्क इज 2:1:2, ठीक है, ए बी सी का जो शेयर है वो 2:1:2 में, यानी कि ये शेयर जो है उनके काम के अकॉर्डिंग बटा होगा, यानी कि ए गुने में 12 रेशियो बी गुने में 8 रेशियो सी गुने में अगर 20 करते हैं तो ये उनके टोटल काम हो गए कि उन्होंने कितना काम किया, और काम के अकॉर्डिंग ही पैसा बढ़ता है हमारा, यानी कि 2:1
रेशियो में टू। अब तुम ध्यान दो यहाँ से, ये टू टू यहाँ पे बराबर, यानी क्या होगा, ए और सी बराबर हो जाएंगे। तो ए गुने में 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी गुने में 20। ठीक है, चार से तीन बार में और चार से यहाँ काट दो पांच बार में। ए बाई में सी क्या निकल गया हमारा, 5 बाई में क्या 3। ए सी निकल गया, ए सी की इफिशियंसी निकल गई। अब हमें बी की निकालनी है, क्यों, क्या बोल रहा है सवाल में, ए अलोन कैन कम्प्लीट द वर्क इन 30 डेज। ठीक है, इफ ए अलोन उस काम को 30 डेज में कर सकता है, देन हाउ मेनी डेज विल बी एंड सी टुगेदर टेक टू कम्प्लीट फिनिश द वर्क वाइल वर्किंग टुगेदर। बी और सी साथ मिलकर उस काम को कितना देर में करेंगे, तुम्हें ये निकालना। तो ध्यान दो यहाँ से तुम कि ए और सी यहाँ से निकल गया तुम्हारा, अब तुम्हें बी निकालना है। तो बी निकालने के लिए तुम क्या कर सकते हो, ए गुने में 12, बी गुने में 8 बराबर में लिख दो 2/1, चार से तीन बार में, चार से दो बार में, एक स्थान पे 5 बैठा दो। तो जब 5 बैठाओगे तो 5 गुने में 3/2 × 2 बराबर में बी हो जाएगा, यानी बी की जो इफिशियंसी निकल जाएगी वो कितनी निकल जाएगी, 15/4। ए जब 30 दिन में करता है तो टोटल वर्क तो हम लोग यहाँ से फाइंड कर ही सकते हैं, 30 गुने में क्या हो जाएगा, ए की इफिशियंसी 5। अब इसी काम को हमको बी और सी से करवाना है, तो बी और सी कितना समय लेंगे हमको ये बताना है। तो काम तो हमारा 3×5 ही है, और टोटल समय जो लेंगे वो समय क्या हो जाएगा, बी का समय है 15/4 और प्लस में 3, यानी कि 30×5, नीचे 4×3 करोगे 12 और 15 में ऐड कर दोगे तो 27, और 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 3 से काट दो इसे 9 बार में, 3 से काट दो इसे 10 बार में। ठीक है, अब यहाँ से तुम देखो क्या आ गया, 200/9। 200/9 का मतलब क्या है, 22 whole 2/9 days, एंड योर आंसर इज 22 whole 2/9 days, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में देखो क्या है, एक्स इज थ्राइस एज इफिशियंट एज जेड। ठीक है, ध्यान से समझना इस सवाल को, बड़ा ही ट्रिकी सवाल है। एक्स जो है 3 गुना इफिशियंट है जेड से, यानी जेड की इफिशियंसी अगर 1 होगी तो एक्स की क्या होगी इफिशियंसी, 3, ये इफिशियंसी हो गई। समय का अगर हम लोग बात करेंगे तो समय इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3। ठीक है, फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, वाई टेक्स ट्वाइस एज मेनी डेज एज जेड। वाई जो है जेड से ट्वाइस समय लेता है। ठीक है, कितना समय लेता है, ट्वाइस समय, यानी कि जेड अगर उसे 1 time में कर रहा है तो वाई क्या करेगा, 2 times में करेगा। अब आगे देखो क्या दिया हुआ है, एक्स टेक 16 days टू फिनिश द वर्क अलोन, यानी कि यहाँ से 1 unit का मान 16 है तो जेड का मान कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 16 गुना करेंगे तो। फिर यहाँ पे 1 में बैठाएंगे तो जेड का मान कितना हो जाएगा, 48, तो वाई कितना निकल जाएगा हमारा, 96। अब क्या बोल रहा है, इफ़ दे वर्क इन द पेयर ऑफ टू इन द सिलेंड्रिकल ऑर्डर एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, यानी कि एक्स वाई और जेड हमारा दिए हुए है, एक्स दिए हुए है 16, वाई दिए हुए है हमारा 96 और जेड दिए हुए हमारा 48। ठीक है, टोटल काम यहाँ से अगर निकाल देते हैं, टोटल एफिशिएंसी वर्क 96 हो जाएगा, 6 बार में, 1 बार में, यहाँ 2 बार में। ठीक है, अगर ये सिलेंड्रिकल ऑर्डर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स में करते हैं तो पूछ रहा है कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा, फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क। देखो क्या इसमें ट्विस्ट है कि सबसे पहले एक्स वाई करेगा, यानी 617 unit करेगा, फिर वाई जेड करेगा 213 unit करेगा, फिर 62 क्या करेगा, 8 unit करेगा, यानी 3 दिनों में उन लोगों के द्वारा कितना काम हुआ, 7+3+8, डेट इज नन अदर देन 18। अब हमें 96 तक पहुंचना है तो इधर भी गुना 5 कर दो, इधर भी गुना 5 कर दो, यानी कि 15 दिनों में जो हमारा काम होगा वो काम क्या होगा, 90 काम होगा। अब कुछ लोग देखे होंगे यहाँ पे 15 एक ही ऑप्शन में है और इसी को टिक आउट कर देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन ये गलत है सर। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि अगला जो आपका काम बचा है वो 6 unit और अगला ग्रुप आएगा तो वो 7 unit काम करता है, यानी कि उस दिन हमारा 6/7 day ही काम हुआ होगा 16 day में, और इस तरीके से हमारा 90+6 यानी कि 96 काम हमारा जो है कंप्लीट हो गया होगा। तो ध्यान दो, 15 दिन और 6/7 यानी कि क्या हो जाएगा, 15 whole 6/7, जिसको तुम अप्रॉक्स में लिखोगे तो 15.8 होता है। देखो इसको चुनाव कैसे होगी, 6/7 का मतलब क्या हो गया कि लगभग में 80%। ठीक है, यानी आधा से तो डेफिनेटली ज़्यादा है, 15.28 का मतलब क्या है, आधा से कम, 0.28 का मतलब क्या है, आधा से भी कम। तो
तो इसलिए इसी बेसिस पे हम लोग जज करके यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 15.28 हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर जो है ई है नन ऑफ दीज, ठीक है, यानी कि 15 होल 6 बाई में 7 डेज। होप आप लोगों को यहाँ क्लियर, यहाँ तक क्लियर होगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है सवाल में, प्रकाश 5 डेज वर्क इज इक्वल टू सुरेश 3 डे वर्क। प्रकाश का 5 दिन का काम सुरेश के 3 दिन के काम के बराबर है, यानी प्रकाश बटे में सुरेश का क्या निकल जाएगा हमारा, 3 बटे में 5, जो कि इफिशियंसी है उसकी। सुरेश और कृष्णा का इफिशियंसी दिए हुए है 4/3, तो यहाँ से हम लोग प्रकाश, सुरेश और कृष्णा निकाल सकते हैं। 5 है 4 है, ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई, तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है सवाल में कि सुरेश एंड कृष्णा स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड वर्कड फॉर 4 डेज। सुरेश और कृष्णा यानी 20 और 15 की एफिशिएंसी से, 35 की एफिशिएंसी से 4 दिन तक काम करते हैं। आफ्टर डैट कृष्णा लेफ्ट, कृष्णा उसके बाद क्या होता है काम छोड़कर चला जाता है, यानी 15 की एफिशिएंसी वाला काम छोड़कर चला गया। एंड प्रकाश ज्वाइंड सुरेश, प्रकाश सुरेश को ज्वाइन करता है, एंड दे टुगेदर वर्कड फॉर नेक्स्ट 5 डे, और साथ में दोनों 5 दिन तक काम किए, तो 20 और 12 कितना हो जाएगा हमारा 32, कितने दिनों तक काम किए 5 दिनों तक काम किए। नाउ सुरेश लेफ्ट द वर्क, सुरेश काम छोड़ देता है, एंड प्रकाश अलोन, प्रकाश अकेले 12 की एफिशिएंसी से फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 5 मोर डे, 5 और दिन में काम खत्म कर देता है। यानी कि इस तरीके से हम लोगों का क्या हो गया, ये एक तरीके का टोटल वर्क हो गया। अब बोल रहा है फाइंड दैट इन हाउ मेनी डेज सुरेश कैन फिनिश द वर्क अलोन, सुरेश अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। तो सुरेश का जो टाइम होगा जस्ट इसको क्या करना है 20 से डिवाइड दे देना। तुम ध्यान दो कि 5 और 5 से ये 7 बार में, 5 से ये 4 बार में पूरा पूरी कट गया, 4 से भी देखो सारा चीज कट जा रहा है, 4 से 8 बार में, 4 से 3 बार में, यानी 7 × 3 = 10 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। यानी कि पूरा काम को सुरेश अगर अकेले करेगा तो कितना दिन में कंप्लीट करेगा 18 दिन, और इसी के साथ हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 18 डेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए वर्क इज गिवन टू ग्रुप ऑफ सम स्किल्ड एंड सम अनस्किल्ड वर्कर, कुछ स्किल्ड हैं और कुछ अनस्किल्ड वर्कर हैं, ठीक है। 24 स्किल्ड वर्कर कैन डू द वर्क इन 5 डेज वाइल 18 अनस्किल्ड वर्कर कैन डू द सेम वर्क इन 10 डेज। मान लेते हैं स्किल्ड वर्क की एफिशिएंसी एक थी एक की, और अनस्किल्ड वाले में एक की एफिशिएंसी वाई थी, तो 24 स्किल्ड वालों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 24x, और 5 दिन तक काम करते हैं, ठीक है, टोटल वर्क हो गया यहाँ से। फिर 18 अनस्किल्ड वाले एफिशिएंसी वाई कितने दिनों तक काम करते हैं 10 दिनों तक, काट छाट देना यहाँ से, 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, 6 से 4 बार में, 6 से 3 बार में, 2 से इसे भी काट दो 2 बार में, एक्स बटे में वाई जो निकल गया वो निकल गया 3/2। क्या बोला है सवाल में, 6 स्किल्ड वर्कर स्टार्टेड द वर्क, 6 स्किल्ड वर्कर जो है काम शुरू करते हैं, यानी 6x जो है वो काम शुरू करते हैं। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों तक काम किया, तो मैंने बोल दिया ए दिनों तक उन लोगों ने काम किया। 6 अनस्किल्ड वर्कर भी ज्वाइन करते, 6 अनस्किल्ड वर्कर ज्वाइन देम, उन लोगों को ज्वाइन कर लेते, यानी कि आप काम कर रहे हैं 6x 6y काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज, बचे हुए काम को कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं 6 दिनों में कंप्लीट करते हैं, यानी काम खत्म हो गया। अब किसी एक के बराबर हमें इसे कर देना है, 24 गुने में एक्स गुने में क्या 5, ठीक है। अब यहाँ से देखो जो कट रहा है उसको काट दो, 6 से 4 बार में 6 खत्म, एक्स के जगह पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे, वाई के जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, यानी कि 3a, और यहाँ से अगर 6 कॉमन ले लें तो एक्स और वाई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3×2 = 5, यानी 6×5 जा क्या हो जाएगा 30, यहाँ पे 30 निकल गया, यहाँ पे 3 रख दो, 4×3 जा क्या होगा 12×5 क्या हो जाएगा 60, यानी कि ये 60 के बराबर, 3a बराबर में 60 में 30 चला जाएगा क्या हो जाएगा 30, यानी a का मान कितना निकल गया हमारा 10 निकल गया। तो क्या पूछा है सवाल में, फाइंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच ओनली 6 स्किल्ड वर्कर्स वर्क टुगेदर, 6 स्किल्ड वर्कर जो हैं कितने दिनों तक साथ काम किए थे, यानी ए दिनों तक, ए का मान तो हमारा निकल गया 10 दिन, और इसी के साथ हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 डेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है हम लोगों का, नेक्स्ट में देखो क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, ए अकेले किसी काम को कितने दिनों में करता है 40 दिनों में करता है।
बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज, बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 60 दिन में करता है। यहाँ से टोटल काम निकाल लेते हैं, 120 हो जाएगा, 40 के अकॉर्डिंग 3 एफिशिएंसी, 60 के अकॉर्डिंग 2 एफिशिएंसी। ए बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर इन द फर्स्ट 15 डेज, ठीक है, ए बी जो है साथ में काम शुरू करते हैं पहले 15 दिनों तक। पहले 15 दिनों में क्या कंडीशन दिए हुए है कि फर्स्ट डे में 15 डेज में ए वर्कड विद 50% ऑफ हिज एफिशिएंसी, अपने एफिशिएंसी का 50%, यानी क्या है 3 का 50% क्या हो जाएगा 1.5 और 2। ये ए और बी कितने दिनों तक काम किए, 15 दिनों तक काम किए, ठीक है। फिर क्या बोला इसके बाद, इन द नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन में बी वर्कड विद 50% एफिशिएंसी, यानी ए तो अपना वही एफिशिएंसी से काम कर रहा है। 50% एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि यहाँ से प्लस 2 का 50% क्या हो जाएगा 1, और कितने दिनों तक काम किया, 15 दिनों तक काम किया। तो देखो यहाँ से काम कितना हो गया हमारा, 2 और 3 यानी कि 3.5 गुने में क्या है हमारा 15, और प्लस में 3.14 गुने में क्या है हमारा 15, यानी 15 गुने में 7.5, यानी कि इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 15 गुने में 15 बाई में 2, जो हमारा देगा 112.5। टोटल काम हमारा 120 था, काम हुआ हमारा 122.5, तो जो रिमेनिंग काम है हमारा वो कितना है हमारा 7.5 रिमेनिंग काम है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, नाउ इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल कंप्लीटेड इफ बोथ ऑफ देम वर्क विद देयर फुल एफिशिएंसी, जब दोनों को साथ में फुल एफिशिएंसी से काम करते हैं तो 3+2 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, 5 से जब इसे काटोगे तो 5 से ये कटेगा 1.5 बार में, और इसी के साथ हमारा जो रिमेनिंग काम खत्म होगा वो खत्म होगा 1.5 डेज में, ऑप्शन नंबर बी, और यही हमारे सवाल का आंसर है 1.5 डेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट में क्या है बोल रहा है, ए बी सी आर वर्किंग टू फिनिश द टास्क, ए बी सी काम को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द टास्क दे गॉट, इन टास्क खत्म होने के दरमियान ए को मिलता है 8000, बी को मिला 20,000, सी को मिलता है 12,000, ठीक है 12,000। When all three are working together, they can finish the work in 15 days. जब सब साथ में काम कर रहे हैं तो काम कितना दिन में खत्म हो जा रहा है, 15 दिन में खत्म हो जा रहा है। तो यहाँ पे तुम देखो, ये जो तुम्हारा है ये है तुम्हारा वेजेस, और तुम्हें मालूम है वेजेस जो बढ़ता है वो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग बढ़ता है। तो यहाँ से इफिशियंसी का रेशियो निकाल दो, 3-0, 3-0, 3-0 खत्म हो गया, 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार में, 4 से 3 बार में, यानी जो रेशियो आ गया वो आया 2:5 कितना 3। अब ध्यान दो क्या बोला सवाल में, वाइल व्हेन ऑल थ्री आर वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 15 डेज, जब तीनों साथ में काम करते तो कितना दिन में वर्क काम फिनिश हो जाता है, 15 दिन में। तो तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दो, तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 10 यूनिट हो जाएगी, तो टोटल वर्क जो निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, 15 गुने में 10, ठीक है। बोल रहा है हाउ मच टाइम बी एंड सी विल टेक टू फिनिश द वर्क वाइल वर्किंग टुगेदर, बी और सी इसी काम को मिलकर कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो बी और सी का मुझे क्या निकालना है, समय निकालना है। बी और सी का समय कैसे निकलेगा, टोटल वर्क बटे में क्या दोनों की कॉम्बाइंड एफिशिएंसी। तो दोनों की कॉम्बाइंड एफिशिएंसी कितनी है हमारी, बी का हमारा 5, सी का हमारा 3, यानी कि कितना हो जाएगा 8। 2 से काट दो इसे 4 बार में, 2 से काट दो इसे 5 बार में, 15 × 5 क्या होगा 75, 75 बाई में क्या दे दिया हमारा 4 दे दिया, ठीक है। अब इसी 75 बाई 4 को हम लोग लिख सकते हैं 18 होल में 3/4 डेज, और यही हमारा आंसर है 18 होल में 3/4 डेज, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, क्या बोल रहा है, 4 men and 3 women स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर फॉर 3 डेज, 4 men and 3 women काम शुरू करते हैं और 3 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। तो मान लिया एक मैन की एफिशिएंसी जो है वो एम है, और 3 वोमेन की एफिशिएंसी, 1 वोमेन की एफिशिएंसी 1W है, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 3W, और इन्होंने 3 दिन तक काम किया, ठीक है। दे डिड 1/15 unit more work, 1/15 unit काम ज़्यादा करते हैं, अब किससे ज़्यादा करते हैं, When 2 men left after 1 day of the work and rest work for 2 days, जब 2 आदमी 1 दिन के बाद छोड़ के चले जाते हैं और बाकी लोग 2 दिन तक काम करते हैं, तो उससे 1/15 unit ज़्यादा काम किया। तो पहले देखो कौन कौन क्या क्या छोड़ के गया, ठीक है, 2 आदमी छोड़ के गया 1 दिन के बाद, तो 1 दिन तक तो ये 4 men और 3 women काम किया ही होगा,
ठीक है। फिर क्या बोला हमारा कि दो छोड़ के चला गया, तो आगे जो बढ़ा है हमारा वो दो मैन ही बढ़ा और थ्री वुमेन। कितने दिनों तक काम किया इन लोगों ने? 2 दिनों तक, ठीक है। इससे तुम्हारा 1/15 ज़्यादा काम किया, या फिर तुम ये बोलो कि इन दोनों के काम का अंतर जो दिए हुए है वो क्या है, 1/15 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब ये 1/15 ले लिया तो टोटल वर्क तुम्हारा क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इसे थोड़ा सॉल्व कर लो, यहाँ पे देखो क्या होगा, 4 × 3 करोगे तो तुम 12m मिलेगा, प्लस में 9w मिलेगा। ये ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को देख लो, 4m यहाँ से 2 × 2 4m यानी कि क्या हो जाएगा, 8m। 3w यहाँ से 3 × 2 = 6 यानी कि क्या हो जाएगा, 9w इज इक्वल टू 1/15। अब यहाँ से देखो 12m प्लस में 9w माइनस में 8m माइनस में 9w इज इक्वल टू क्या है, 1/15 है। WW ख़त्म हो गया, यानी 4m बराबर में क्या हो गया, 1/15। m का मान जो निकल गया वो क्या निकल गया, 1/16, यानी एक मैन की इफिशियंसी निकल गई कितना, 1/16 निकल गई, ठीक है। अगर टाइम पूछता, मान लो जैसे सपोज करके मैं बता रहा हूँ कि अगर टाइम पूछता एक आदमी का तो क्या हो जाता, 60 डे हो जाता, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आगे तुम्हें क्या बोल रहा है, इफ़ टू वुमेन ऑल्सो लीव आफ्टर दिस 3 डे वर्क, 3 दिन के बाद, इस 3 दिन के काम के बाद दो वुमेन और छोड़ देते, अब किस 3 दिन के काम, ये स्टार्टिंग वाला कंडीशन से 3 दिन या सेकेंड वाला कंडीशन से 3 दिन? देखो वहाँ पे दिए हुए है, इन एडिशन टू द प्रीवियस कंडीशन व्हेन मैन लेफ्ट, उस कंडीशन से जहाँ से मैन छोड़ा था। तो देखो मैन जो छोड़ा था वो वाला कंडीशन तो हमारा यही है, और ये कंडीशन सॉल्व करने के बाद हमें मिला था 8m प्लस में क्या, 9w। तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा ना लिख के हम लोग डायरेक्ट इसे लिखेंगे, 8m प्लस में क्या हो जाएगा, 9w। आगे जब बढ़ेगा तो आगे क्या बोल रहा है कि दो वुमेन और छोड़ देती है, मतलब क्या है कि टू मैन था हमारे पास, 3 वुमेन थी, इसमें 2 वुमेन चली गई, यानी कि आगे जो हमारा बढ़ रहा है वो क्या बढ़ रहा है, 2 मैन और प्लस में क्या, 1 वुमेन। एंड देन द टोटल वर्क गेट कम्प्लीटेड इन 14 डेज, पूरा काम 14 दिन में खत्म होता। देखो यहाँ पे 3 दिन तक काम हुआ, टोटल काम 14 दिन तक खत्म होता, यानी इन लोगों ने कितना दिनों तक काम किया होगा, 11 काम, और इस तरीके से हमारा एक काम खत्म हो गया। तो सॉल्व कर लो, यहाँ से 8m है, 2 × 11 क्या देगा, 22, 22 × 8 क्या हो जाता है हमारा, 30m, ठीक है। प्लस में 9w है, यहाँ से 11w यानी कि जोड़ दोगे तो तुम्हें क्या देगा, 20w बराबर में 1। m की वैल्यू तुम्हें मालूम है 1/60 है, यानी कि क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस में 20w, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, 20w इज इक्वल टू क्या तुम्हारा, 1 है। अब यहाँ से तुम सॉल्व कर लो, 1/2 में 1 चला जाएगा तो 1/2 ही बचेगा, यानी 20w इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। W का मान निकल गया 1/40, यानी कि ये एक वोमेन की इफिशियंसी निकल गई। अब तुमसे सवाल में बोला क्या है निकालने के लिए, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच 12 वोमेन एंड 18 मैन कैन कम्प्लीट द वर्क टुगेदर। 12 वोमेन, ध्यान रखना यहाँ जस्ट ट्विस्ट कर दिया है वोमेन को पहले देखे, 12 वोमेन और 18 मैन इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो तुम्हें मालूम है एक वोमेन की इफिशियंसी 1/40 है, तो 12 की कितनी हो जाएगी, 12/40। एक मैन की इफिशियंसी 1/60 है, यानी 18 की कितनी हो जाएगी, 18/60। अब इसे तुम सॉल्व कर दो, 4 से काट दो इसे 10 बार में, 4 से ये कट जाएगा 3 बार में, 6 से काट दो इसे 10 बार में, 6 से कट जाएगा ये 3 बार में, यानी तुम्हें क्या मिल गया, 6/10 दोनों का कॉम्बाइंड इफिशियंसी। तो समय जो लगता है वो क्या हो जाता है, इन्वर्स में लग जाता है, यानी क्या लगेगा, 10/6 डे। काट छाट दो 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में, यानी क्या हो जाएगा, 1 whole 2/3 डे, और यही हमारा आंसर है, 1 whole 2/3 में कितना, 3 डेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में देखो क्या बोल रहा है, ए इज 50% मोर इफिशियंट देन बी। ए जो है बी से 50% मोर इफिशियंट है, तो अगर बी को हम लोग 2 मान लेते हैं तो 2 का 50% कितना होता है, 1, अधिक बोला है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 3, इफिशियंसी निकल गया। फिर क्या बोल रहा है, इफ ए बी सी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 10 डेज, ए बी और सी मिलके किसी काम को 10 दिन में करते हैं, सी कंप्लीट्स द होल वर्क इन 20 डेज, सी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो टोटल काम यहाँ से हमारा निकल गया, कितना निकल गया टोटल काम, 20, 10 से हो गया हमारा 2 बार में, 20 से हो गया 1 बार में। अब देखो यहाँ से ना तुम्हें एक चीज़ करना है, क्या पूछ रहा है तुमसे सवाल में,
फाइंड द टाइम टेकन बाई ए अलोन टू कम्प्लीट 45% ऑफ द 45% काम करने में ए को कितना समय लगता है। अब देखो यहाँ से जब तुम सी का इफिशियंसी एक लोगे और यहाँ ए बी सी दो है तो दो में जब तुम एक घटाओगे तो ए बी का इफिशियंसी कितना निकल जाएगा, एक निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ए बी का अगर तुम जोड़ोगे तो ये कितना है, फाइव। तो इसे फाइव बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसे भी फाइव से गुना कर दो, इसे भी फाइव से गुना कर दो। तो जब ये दोनों गुना होगा तो काम भी हमारा फाइव से गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सारा चीज़ सेटिस्फाई कर जाएगा। सी अगर तुम पाँच लेते हो, ए बी सी तुम्हारा 10 है, तो ए बी जोड़ के कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जहाँ ए कितना है, 3 है, बी कितना है, 2 है, तो तुम्हें इफिशियंसी मालूम हो गया ए का 3, बी का 2 और सी का कितना मालूम हो गया, 5, ठीक है। अब तुमसे ए का ही बोल रहा है कि 45% काम, तो टोटल काम हमारा कितना है, 20 × 500। इसका 45% काम को अब किससे करवाना है, हमको ए से करवाना है। तो ए का जो समय लगेगा वो समय बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बटे में उसकी इफिशियंसी, 100 100 खत्म हो जाएगा। 3 से काट दो इसे, कितना बार में, 15 बार में, और यही हमारा आंसर है 15 days और ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट और आखिरी सवाल क्या बोल रहा है, देखो कितना आसान सा सवाल है और कितना कॉम्प्लिकेट करके इस सवाल को दिया गया है। क्या बोल रहा है, सीता एंड गीता टुगेदर कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 18 days। दोनों साथ मिल के किसी काम को कितना दिन में करते हैं, सीता और गीता 18 दिन में करते हैं, ठीक है। सीता स्टार्ट्स द वर्क एंड कम्प्लीट्स 1/3 ऑफ द वर्क इन एक्स डेज, एक्स दिनों में 1/3 काम वो करती है, एंड लिव्स द वर्क और काम छोड़ देती है द रिमेनिंग। देखो यहाँ पे सीता ने 1/3 काम किया एक्स दिनों में, ठीक है। फिर बोल रहा है द रिमेनिंग वर्क इज डन बाई गीता, गीता के द्वारा रिमेनिंग काम, रिमेनिंग कितना काम है हमारा, 2/3 काम है, और कितने दिनों में करती है, एक्स दिनों में करती है। तो यहाँ पे देखो दोनों ही एक्स एक्स डेज में है, तो यहाँ से तो हम लोगों को उसकी इफिशियंसी डायरेक्ट निकल जाएगी, सीता बटे गीता की इफिशियंसी, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है हमारा, 1/3 काम की, यहाँ से 2/3 काम की, वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इफिशियंसी का, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, 3 3 खत्म हो गया, यानी क्या हो जाएगा, 1/2 उसकी इफिशियंसी निकल गई। अब क्या बोल रहा है तुम्हारा, फाइंड द टाइम टेकन बाई रीटा टू कम्प्लीट द सेम वर्क हु इज 20% मोर इफिशियंट देन सीता, सीता से 20% मोर इफिशियंट है। तो यहाँ पे क्या करो ना, इसे 1 2 जो आया है इसे 100 बोल दो, और इसका जब तुम 20% बढ़ा दोगे तो ये तुम्हें देगा 120, जो कि किसका इफिशियंसी है, रीटा का। अब रीटा इसी काम को कितना दिन में करेगी, तुम्हें ये निकालना है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 18 × सीता और गीता की इफिशियंसी 100 और 200 है, यानी गुने में क्या हो जाएगा, 300। तो तुम्हें रीटा का जो समय निकालना है, रीटाज सम टाइम, तो रीटाज टाइम कैसे निकलेगा हमारा, 18 × 300 बटे में कितना उसकी इफिशियंसी, 120। काट छाट दो यहाँ से, 6 से 3 बार में 6 से 2 बार में 2 से 15 बार में, 15 × 3 कितना हो जाएगा, 45 days। और इसी के साथ हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 45 days, ठीक है। इसी के साथ हमारा टाइम एंड वर्क का सेकेंड सीरीज भी कंप्लीट होता है 20 क्वेश्चनों का। उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे हैं ये सीरीज तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर करना है और शेयर करो इसे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों तक ये पहुँच सके, ठीक है। चलो थैंक यू।